आज हम लोग बात करते हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर लेटी लेटी रेखाओं को लैटिट्यूड और खड़ी खड़ी रेखाओं को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, तो टेक्निकली ये बिल्कुल गलत है। आपकी भावनाओं के हिसाब से उसकी मैं कदर करूँ तो ऐसा ही है, लेकिन टेक्निकली ये बिल्कुल गलत है। एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आप गलत कर दोगे। तो पहली चीज़ तो हमें समझना है कि इसकी डेफिनेशन, फिर इसका क्या इम्पोर्टेंस है, और ये इनकी एक बारे में कुछ बेसिक चीज़ें, और फिर इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आज का ये लेक्चर इन्हीं सारी चीज़ों पर डिफाइन होगा। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अगर हम बात करते हैं अक्षांश की, अक्षांश या लैटिट्यूड क्या होता है, तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, यह एक प्रकार का कोणीय माप होता है। कोणीय माप मतलब एंगुलर मेजरमेंट, इट इज़ एन एंगुलर मेजरमेंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर और नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। ये एक प्रकार का कोणीय माप होता है विषुवत रेखा या उत्तर से दक्षिण दिशा के सापेक्ष। जब हम विषुवत रेखा की बात, सॉरी अक्षांश की बात करते हैं, तो ये एक तरह का काल्पनिक रेखा होती है, इनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको ये सारी चीज़ें एक बार में समझ में आ जाएगी। चलिए देखिए, आपका बेसिक डेफिनेशन व्हाट इज एंड लैटिट्यूड, लैटिट्यूड इज एन एंगुलर मेजरमेंट, एक तरह का कोणीय माप होता है। कोणीय माप मतलब एक एंगल होता है विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर और नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया विषुवत रेखा, तो पहले हमें विषुवत रेखा समझना है, ठीक है। विषुवत रेखा भी एक तरह का अक्षांश है, कहीं ना कहीं से हमें अक्षांश को शुरू करना था, कहीं ना कहीं से हमें लैटिट्यूड को शुरू करना था, तो हमने इसे कहाँ से शुरू कर लिया, हमने इसे विषुवत रेखा से शुरू कर लिया। विषुवत रेखा एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इट इज एन इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड अर्थ इंटू टू इक्वल हाफ, ठीक है। ये पूरा जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है, इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो अगर हम बात करते हैं विषुवत रेखा की, तो विषुवत रेखा है वो काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। अब विषुवत रेखा के पास कुछ विशेषताएं हैं या कुछ स्पेशलिटीज़ हैं जो कि ये अपने इसको यूनिक बनाती है। पहली चीज़, यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं, डे एंड नाइट आर इक्वल एट इक्वेटर, यहाँ पर दिन और रात हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, सूर्य की किरणें यहाँ पर कई लगातार पड़ती हैं और एक साल में दो बार यहाँ पर लंबवत पड़ती है। सूर्य की किरणें पूरी पृथ्वी पर चार बार लंबवत पड़ती है, कितनी बार फ्रेंड पड़ती है लंबवत, चार बार। उस चार बार में से दो बार लंबवत कहाँ पर पड़ती है, विषुवत रेखा पर। बचा हुआ दो कहाँ पर है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे, ठीक है। सूर्य की किरणें जब साल में दो बार यहाँ पर लंबवत पड़ती है तो ये बहुत ही गर्म एरिया होता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पर जो भी पानी होता है वो तेज़ी से वाष्पीकृत होता है, और जब वो पानी वाष्पीकृत होता है तो वाष्पीकृत होकर जाके क्या करता है, बादल में मिलता है, बादल बनाता है, और एक लिमिट तक बादल उस वाष्प को रोकता है। अब लगातार वाष्प बादल पर आ रही तो क्या होगा, बादल उसे रोक नहीं पाएगा, और क्या होगा, एक लिमिट के बाद वो वर्षा करा देगा। तो यहाँ का डेली का सीन, कहाँ का, विषुवत रेखा का डेली का सीन ऐसा होता है कि यहाँ के दिन के टाइम 12 बजे तक तो बहुत ही गर्म होती है, 12 बजे के बाद डेली रेनफॉल, यहाँ पर डेली वर्षा होती है, और डेली वर्षा होती है तो यहाँ पर आमतौर पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की वर्षा होती है। 200 सेंटीमीटर की से ज़्यादा की वर्षा बड़ी अनकॉमन होती है, अनकॉमन मतलब असमान होती है। असमान होने का मतलब क्या है, ये 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की अगर ये वर्षा होगी तो कहीं पर भी दुनिया में अगर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की वर्षा होती है, बच्चों ये ध्यान रखिएगा, वहाँ पर आपको मिलेगा सदाबहार वन। किस तरह का वन मिलेगा, सदाबहार वन। और कहीं पर भी अगर सदाबहार वन है तो वहाँ पर अपने आप ही जैव विविधता पाई जाती है। अब ये एक नया वर्ड आ गया, जैव विविधता। ये जैव विविधता क्या होती है, देखिए जैव विविधता जो होता है टेक्निकली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, मूल रूप से दो शब्दों से मिलकर बना है, फ्लोरा एंड फौना, प्लांट एंड एनिमल। फ्लोरा और फौना का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम बोलते हैं जैव विविधता, प्लांट और एनिमल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी दुनिया में कहाँ पाई जाती है, जहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट होगा, और सबसे ज़्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर होगा, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल होगी। और 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल पूरे अर्थ पर कहाँ पर होती है,
इक्वेटर पर। तो इक्वेटर अपने आप में यूनिक है, तो ये सब चीज़ें इक्वेटर पर आपको ध्यान रखनी है। तो इक्वेटर पे हमने क्या क्या सीख लिया, पहली चीज़ ये वो काल्पनिक रेखा है या वो इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर दिन और रात बराबर होता है। तीसरी चीज़ यहाँ पर सूर्य की किरणें साल में दो बार लंबवत पड़ती है। और चौथी की चीज़ यहाँ पर डेली रेनफॉल होती है जिसके कारण यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की रेनफॉल होती है। और यहाँ पर सदाबहार वन या एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट की खास बात क्या होती है, ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। ये पत्तियां तो सुखाते हैं लेकिन कभी खुद नहीं सूखते हैं, पत्तियां लगातार गिराते रहते हैं। और इस तरह के जो फॉरेस्ट या जंगल होते हैं वो बहुत ही डेंस होते हैं, घने होते हैं, वहाँ पे जैव विविधता बहुत पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जैव विविधता विश्व रेखा पर, सबसे ज़्यादा सदाबहार वन विश्व रेखा पर, ये याद रखिएगा, ये पॉइंट आपको नोट करने चाहिए, नोट करिएगा। तो विश्व रेखा पर हमने ये सारी चीज़ें देख ली। अब देखिए विश्व रेखा एक इमेजिनरी लाइन है जहाँ से हम अक्षांश को शुरू करते हैं। अक्षांश क्या है, ये कोणीय माप होती है, ठीक है। अब समझते हैं अक्षांश को, जब हम अक्षांश को समझेंगे तो आपको चीज़ें अपने आप ही समझ में आएंगी। देखिए अक्षांश को हम समझते हैं, अक्षांश एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। ये देखिए आपके अक्षांश हो गया, ये विश्व रेखा है जो पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। अब अक्षांश क्या है, इट इज एन एंगुलर मेजरमेंट विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर, ठीक है। 1, 2, 3 अप टू 90 ऊपर, 1, 2, 3, 4 अप टू 90 नीचे, 90 ऊपर जाते हैं 90 नीचे जाते हैं। तो इसी विश्व रेखा 0 डिग्री का जो लाइन है जहाँ से हम अक्षांशों की शुरुआत करते हैं, इससे 90 ऊपर 90 नीचे आपका अक्षांश रेखा है, ठीक है। और इसी विश्व रेखा के सापेक्ष हम इस अक्षांश रेखा को रेखा बनाते हैं। ये विश्व रेखा के सापेक्ष, ये देखिए 1 डिग्री का कोण, इसी के सापेक्ष देखो ये 2 डिग्री का कोण, इस तरह से ये कोण बनते चले जाते हैं। तो इट इज़ एन एंगुलर मेजरमेंट, ठीक है। एक तरह का कोणीय माप है, किसके सापेक्ष, विश्व रेखा, ये आपकी विश्व रेखा है। तो इसके सापेक्ष 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, तो ये आपका क्या हो गया, कोणीय, ठीक है, माप, ठीक। अब देखिए 90 डिग्री, 90 अक्षांश ऊपर है 90 नीचे है प्लस एक विश्व रेखा है, तो वहाँ पर कुल मिला के अक्षांश कितनी हो जाती है, हाउ मैनी लैटिट्यूड वी हैव, वी हैव 181 लैटिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड कितने हैं, 181, लेकिन लैटिट्यूडनल लाइन या अक्षांश रेखाएं कितनी है, 179। दोनों में बहुत फ़र्क है, बहुत सारे बच्चों को ये सब क्लियर नहीं होता है, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए अक्षांशों की संख्या 181, लेकिन अक्षांश रेखाएँ पोल्स तो सिर्फ बिंदु है ना, तो दोनों पोल्स को हटा दीजिए, 181 माइनस 2 करेंगे, दोनों पोल्स को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 179। तो अक्षांश रेखाएं हमारे पास कितनी है, 179। ये जितनी भी अक्षांश रेखाएं होती हैं ये सब एक दूसरे के पैरेलल होती है। जो मैंने वो डायग्राम बनाया, देखिए डायग्राम ऐसे बना हुआ है, विश्व रेखा के सापेक्ष एक कोण होता है, ठीक है। तो देखिए ये सारी रेखाएं जो होती हैं एक दूसरे के पैरेलल या समांतर होती हैं, आप देख सकते हैं ये सब एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी फिक्स होती है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी या 1 डिग्री अक्षांश बराबर कितना होता है, 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी फिक्स होती है और वो कितनी होती है, 111 किलोमीटर। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, इसे थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। नॉर्थ से साउथ जाने पर अक्षांशों की लंबाई घटती है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। और हमारे पृथ्वी का जो वृत्तम वृत्त होता है वो विषुव रेखा होती है। देखिए ये सब सर्किल है, ये सब सर्किल है, देखिए ये सर्किल है, अगर आप इसे देखेंगे तो ऐसे सर्किल है, ये विश्व रेखा, ये उसके ऊपर वाला, ये उसके ऊपर वाला, ये उसके ऊपर वाला, फिर ये पोल्स, ये सब कोसेंट्रिक सर्किल है, ठीक है। नॉर्थ से साउथ जाने पर इसकी लंबाई घट रही है, देखो नॉर्थ से साउथ, ऊपर साउथ है नीचे भी साउथ है, ये नॉर्थ साउथ जाएंगे नीचे जाएंगे, लंबाई घटेगी, ठीक है। और जो बृहत्तम वृत्त है, सबसे बड़ा सर्किल विश्व रेखा पर ही बनेगा, आपका अक्षांश सर्किल है, सबसे बड़ा सर्किल कहाँ होगा, विश्व रेखा, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अक्षांश पर आपको रिमाइंड रखना है, ठीक है। ये बहुत पूछा जाता है, ये आपका इम्पोर्टेंट है,
साथ ही साथ ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आता है, ये सब आपके एग्ज़ाम में कई बार लगातार बार बार पूछे जा चुके हैं, तो इनको गलत मत करिएगा। ये आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन जितने भी हैं मैं यहाँ पर आपको बताते जा रहा हूँ। चलिए अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पर। देशांतर, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड, ध्रुवों को ध्रुवों से जोड़ने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, देशांतर, द लाइन विच कनेक्ट पोल विद पोल। ठीक है, ध्रुवों को ध्रुवों से जोड़ने वाली रेखा को, देखिए पोल हमारे पास दो हैं, एक नॉर्थ पोल है दूसरा साउथ पोल है, ध्रुवों को ध्रुवों से जोड़ने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, देशांतर। देखो इस तरह से लाइनें जोड़ते जा रही है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, देशांतर। देखिए ये देशांतर आपको यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, ध्रुवों को ध्रुवों से जोड़ने वाली रेखा, ये सब देशांतर जा रही है, सारी देशांतर है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमारा एक जो ये तो आपका इक्वेटर है ही है, ठीक है, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है और 0 डिग्री देशांतर जो होता है इसे हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन या प्रधान याम्योत्तर, इसे प्रधान याम्योत्तर या प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, या इसे GMT भी कभी कभी हम बोल देते हैं, ठीक है, बट GMT इज सम डिफरेंट थिंग। चलिए अब प्रधान याम जो होता है या प्राइम मेरिडियन, ये हो गया 0 डिग्री वाला ये, ठीक, एक सर्किल में कितना एंगल होता है, एक सर्किल में आपका 360 डिग्री होता है, कितने डिग्री होता है फ्रेंड्स, 360 डिग्री। अब हर एक डिग्री पर एक लॉन्गिट्यूड है तो नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड हमारे पास कितने हो जाएंगे, 360, तो लॉन्गिट्यूड की संख्या कुल देशांतरों की संख्या कितनी हो गई, 360। और हमारा जहाँ से हम लॉन्गिट्यूड को शुरू करते हैं उसका नाम क्या, प्राइम मेरिडियन या प्रधान याम्योत्तर, ये आपका होता है 0 डिग्री, ठीक है, ये डिग्री बनना था लेकिन ये गलत हो गया, ये 0 डिग्री होगा, ठीक है, तो 0 डिग्री। और दो देशांतर के बीच की दूरी, तो देखिए दो देशांतर के बीच की दूरी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये सब देशांतर है, ठीक है, और या फिर इस डायग्राम में देख लीजिए, दो देशांतर, देखिए दो देशांतर के बीच की दूरी पहले बढ़ रही है विषुवत रेखा तक, अब देखो घट रही है, तो दो देशांतर के बीच की दूरी फिक्स है नहीं, द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड कैन नॉट बी डिटरमाइंड, दो देशांतर के बीच की दूरी पता नहीं की जा सकती, क्यों, क्योंकि उत्तर से दक्षिण दिशा में जाने पर यह घटती है और दक्षिण से उत्तर दिशा में आने पर यह बढ़ती है, और ये अधिकतम कहाँ होती है, दो देशांतर के बीच की दूरी अधिकतम कहाँ होगी, विषुवत रेखा पर, और न्यूनतम कहाँ होगी, ध्रुवों पर, ठीक है, दो देशांतर के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर कितनी होती है, तो इसका उत्तर होगा 111.32 किलोमीटर, और दो देशांतर के बीच की दूरी ध्रुवों पर कितनी होती है, होगा 0 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ से आपको समझ में आ गया कि दो देशांतर के बीच की दूरी को हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं, ठीक है, तो दो देशांतर की लंबाई, ठीक है, अक्षांश की लंबाई घटती बढ़ती रहती है लेकिन देशांतर की लंबाई फिक्स होती है, तो इसकी लंबाई फिक्स होती है लेकिन इनके बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है। तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हैं, इनको याद करके लिखते लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा। चलिए अब ये तो हो गया आपका देशांतर, देशांतर से आगे बढ़ते हैं, और देशांतर से आगे बढ़ने से पहले हम कुछ और भी एक दो चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अक्षांश और देशांतर हो गया, अब देखिए हमारे पास एक स्पेशल कुछ लाइनें होती हैं, उसका नाम है जैसे आपका 23.5 डिग्री उत्तर में, ये आपकी कर्क रेखा, ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिण में, ये आपकी मकर रेखा, ठीक है, सेम इसी तरह से 66.5 साउथ, ये आपका आर्कटिक, और 66.5 नॉर्थ, ये आपका अंटार्कटिक, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने ये स्पेशल अक्षांश क्यों लिए,
जब ऑलरेडी हमने एक एक डिग्री पर एक एक अक्षांश ले रखे थे, तो ये हमें ये वाले अक्षांश लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी? 23 2 इन 3 1/2, 66 1/2, इसको लेने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो देखिए, इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट है, क्या सूर्य की किरणें पृथ्वी पर हर जगह बराबर से पड़ती हैं? नहीं, कहीं पर ज़्यादा पड़ती है, कहीं पर कम पड़ती है। ठीक है, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम पड़ती है, असमान रूप से पड़ती है। तो सूर्य की किरणें कहाँ कहाँ पर किस तरह से पड़ती है, इन विशेष अक्षांशों के द्वारा हम समझ सकते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, सूर्य की किरणें पृथ्वी पर 4 बार लंबवत पड़ती हैं, 4 बार। इन 4 बार में से पहली बार लंबवत पड़ती है विषुवत रेखा पर। कहाँ पड़ती है? विषुवत रेखा पर। सूर्य जो होता है, सूर्य आपका इसी कर्क और मकर रेखा के बीच में ही रहता है, और सूर्य की किरणें सबसे पहले लंबवत पड़ती है विषुवत रेखा पर। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके सूर्य ऊपर शिफ्ट होता है, और सूर्य की किरणें दूसरी बार लंबवत पड़ती है कर्क रेखा पर। कहाँ पर? कर्क रेखा पर। कर्क रेखा पर जब ये लंबवत पड़ती है, तो आपकी तारीख होती है 21 जुलाई, और 21 जुलाई को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। कहाँ का सबसे बड़ा दिन होता है? उत्तरी गोलार्ध का। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जुलाई। और जब पहली बार 21 मार्च को परपेंडिकुलर पड़ती है, तो पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है। ठीक है, अब तीसरी बार परपेंडिकुलर पड़ने से पहले हम ये देखते हैं कि सन यहाँ तक जाता है और उसकी रेज यहीं तक रहती है, उसके बाद आगे नहीं बढ़ती है, और लगातार 66 1/2 पर जब यहाँ से यहाँ बढ़ता है तो लगातार बढ़ती है, लगातार। और इसीलिए 66 1/2 वो पॉइंट है जहाँ पर 6 महीने तक सूर्य की किरणें लगातार पड़ती हैं। ठीक है, तो 66 1/2 ये वो एरिया है जहाँ पर 6 महीने का दिन होता है आधे साल, और जब वहाँ पर दिन होता है तो ये वाले 66 1/2 वाले एरिया में आपका 6 महीने की रात होती है। ठीक है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। और वैसे तो नीचे कोई देश नहीं है 66 1/2 पर, लेकिन यहाँ पर 66 1/2 पर बहुत सारे देश हैं। उससे आपके पास एक देश है नॉर्वे। नॉर्वे एक ऐसा देश है जिसे मध्य रात्रि सूर्य का देश कहा जाता है। कौन सा देश कहा जाता है? मध्य रात्रि सूर्य का देश, लैंड ऑफ मिडनाइट सन। लैंड ऑफ मिडनाइट सन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर रात में भी सूरज दिखाई देता है, 24 घंटे 6 महीने के लिए दिन होता है, 24 घंटे 6 महीने के लिए यहाँ पर रात होती है। अब इसको समझिए, 24 घंटे 6 महीने का दिन कैसे हो रहा है? यहाँ पर 66 1/2 पर सूर्य की किरणें 21 मार्च से पूरा अगले 23 सितंबर तक लगातार पड़ती है, और 6 महीने का यहाँ पर दिन होता है, फिर अगले 6 महीने यहाँ पर रात होती है। तो नॉर्वे को मध्यरात्रि सूर्य का देश कहा जाता है। यहाँ पर लोग घड़ी देख के सोते उठते हैं, सूरज देख के नहीं। रात को सो रहे हैं, सो के रोने जा रहे हैं, तो सूरज देखा, गुड नाइट बोला, सो गए। सुबह उठा, सूरज देखा, गुड मॉर्निंग बोला, सो गए, उठ गए। दोपहर हुई, सूरज अभी भी लगा हुआ है, गुड आफ्टरनून। शाम हुई, सूरज अभी भी लगा हुआ है, गुड इवनिंग। सिर्फ घड़ी से काम चलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सिस्टम चलता है ये एकदम अलग रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। और अब सन नीचे शिफ्ट करेगा, जब नीचे शिफ्ट करेगा तीसरी बार परपेंडिकुलर पड़ेगा वापस विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर जब तीसरी बार परपेंडिकुलर पड़ेगा तो तारीख होगी 23। ठीक है, मैं तारीख यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए, पहली बार जब पड़ेगा तो 21 मार्च, ठीक है, दूसरी बार जब होगा वो होगा 21 जून, ठीक, तीसरी बार जब परपेंडिकुलर पड़ेगा तो 23 सितंबर, और चौथी बार जब आपका मकर रेखा पर ये परपेंडिकुलर पड़ेगा तब डेट होगी 22 दिसंबर। जब ये लाइन
जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ेगी तब पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होगा। इसे बोलते हैं ग्रीष्म विषुव। इसे क्या बोलेंगे? ग्रीष्म विषुव। इक्कीस जून जब उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। इसे बोलते हैं समर सोलेसाइड या कर्क संक्रांति। फिर 23 सितंबर जब वापस सूर्य की किरणें विषुव रेखा पर लंबवत पड़ेगी तो दिन और रात फिर बराबर होगा। डे एंड नाइट आर इक्वल। ओके। और इसे बोलेंगे शीत विषुव। ठीक है, इसे इक्विनॉक्स या विषुव बोलते हैं। और 22 दिसंबर जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगी तब दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। इसे हम बोलते हैं मकर संक्रांति। अब देखिए, ये वो वाली मकर संक्रांति नहीं जो हम लोग मनाते हैं, इसे विंटर सोलेसाइड बोलते हैं। तो देखिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, आपकी सन की रेस पूरे अर्थ पर 4 बार परपेंडिकुलर पड़ती है। ठीक, और वो इस तरह से पड़ती है। अब जब सन की रेस इस तरह से परपेंडिकुलर पड़ेगी तो देखिए आपके पास पूरे अर्थ में तो कोई 66.5 हो गया, ये 66.5 हो गया, ये 23.5 हो गया, ये 23.5 हो गया और ये 0 हो गया। ठीक है, अब देखो सन की रेस सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ रही है? सन की रेस परपेंडिकुलर पड़ने वाला एरिया कौन सा है? 4 बार परपेंडिकुलर पड़ती है पूरे इस एरिया में, तो ये एरिया सबसे गर्म, यहाँ पर एक ही मौसम मिलता है, कौन सा? गर्मी। ठीक है, और इसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, फिर 23.5 से 66.5 के बाद बीच का जो क्षेत्र है इसे हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। यहाँ पर दोनों तरह के मौसम मिले, ठंडी और गर्मी, ये भी वही है, इसे हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। और 66.5 से 90 के बीच का जो ये रीजन है इसे शीत क्षेत्र बोलते हैं। कौन सा क्षेत्र? शीत क्षेत्र, फ्रिज्ड जोन। फ्रिज्ड जोन, फ्रिज्ड जोन मतलब ठंडा क्षेत्र, बर्फ जमी रहती है। तो इस तरह से देखा जाए ये पूरा हमारा अर्थ का अलग अलग टेम्परेचर जोन डिवाइड होगा। तो हमारे अर्थ में इस हिसाब से कितने टेम्परेचर जोन होंगे? देखिए, पहला टेम्परेचर जोन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा ये। अब इन टेम्परेचर जोन के अकॉर्डिंग, ताप क्षेत्रों के अकॉर्डिंग हम अपने सीजन्स को डिफाइन करते हैं। कोई देश कहाँ पड़ रहा है उसका सीजन क्लाइमेट वहीं पर डिफाइन होता है। जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया यहाँ पर ऐसे पड़ता है, आधा ऊपर आधा नीचे। तो कर्क रेखा के नीचे जो इंडिया, वहाँ पर एक ही सीज़न है गर्मी, और कर्क रेखा के ऊपर जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं यूपी नॉर्थ इंडिया, वहाँ पर दोनों सीज़न मिल रहे हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा अगर आप इसे ध्यान रखेंगे तो आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, ये डेट्स याद रखिएगा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून, इसी दिन हम योगा दिवस कराते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लैंड उत्तरी गोलार्ध में है और सबसे बड़े दिन में ही ज़्यादातर लोग योगा कर पाएंगे। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर,
उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 21 जून। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखने, ये पॉइंट्स रिमेम्बर रखने पड़ेंगे आपको। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो कि हमने स्पेशल लाइन क्यों लिया। ठीक है, अब देखिए ये स्पेशल लाइन तो हमने देख लिया, लैटिट्यूड देख लिया, लैटिट्यूड के साथ लॉन्गिट्यूड देख लिया। अब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को अगर हम मर्ज कर दें एक साथ, ये आपके लैटिट्यूड से और लैटिट्यूड के साथ हम लॉन्गिट्यूड्स को भी मिला दें, अब देखिए कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बन गया है, एक जालीनुमा आकृति बन गई। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्रिड। क्या बोलते हैं? ग्रिड। इसको हम बोलते हैं ग्रिड। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वह बिंदु जहां पर अक्षांश और देशांतर एक दूसरे को काटते हैं, अक्षांश व देशांतर एक दूसरे को काटते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ग्रिड। और इस ग्रिड से बनने वाले पूरे सिस्टम को हम बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। अब इस ग्रिड सिस्टम की हमारे पास उपयोगिता क्या है? इस ग्रिड सिस्टम की उपयोगिता है दो काम, पहला चीज़ों की स्थिति पता करना, दूसरा टाइम और डेट की कैलकुलेशन करना। टाइम और डेट की कैलकुलेशन के लिए हम सिर्फ लॉन्गिट्यूड या देशांतर का इस्तेमाल करते हैं, और किसी भी चीज़ की स्थिति का पता करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अक्षांश और देशांतर। तो अक्षांश और देशांतर से मदद से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी जगह की स्थिति पता कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे कर सकते हैं उसे समझ लेते हैं फटाफट। ठीक है, समझ लीजिए कि हम इंडिया, हम लोग यहाँ पर हैं, हमको जाना है ब्राज़ील, यहाँ पर गए। ठीक है, अब इंडिया से ब्राज़ील जाना है, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पर हमें जाना है। तो यहाँ से यहाँ अगर हमें अक्षांश और देशांतर नहीं पता है तो कई तरीके पर है, पहला तरीका, दूसरा तरीका, इस तरीके से कई तरीके होंगे। लेकिन अगर हमें अक्षांश देशांतर पता है तो एक ही तरीका है, तीसरा। तो कौन सा तरीका आसान है, पहला, दूसरा कि तीसरा? बताइए कौन सा सही होगा, पहला, दूसरा कि तीसरा? तीसरा क्यों? तीसरा इसलिए क्योंकि सीधा रास्ता है, इस वजह से। या टाइम कम लगेगा या पैसा कम लगेगा? नहीं, देखिए टाइम पैसा सब सेकेंडरी चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या? सही टाइम पर सही जगह पहुँचना। सपोज करिए आप इंडिया से ब्राज़ील जाना शादी अटेंड करने, अब आप शादी अटेंड करने गए, आपने सोचा कि मैं 6 महीने में पहुंच जाऊंगा टहल घूम के, आपको अक्षांश देशांतर नहीं पता है। लेकिन जाते 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 1 साल हो गया, अब आपको पता नहीं चला, आप पहुंचे वहाँ चिल्ला रहे शादी मुबारक हो, अब शादी ख़त्म हो चुकी, अब तलाक हो रहा है, अब आपकी टाइमिंग गलत हो गई, वहाँ पर झगड़ा हो गया किसी के साथ आपका। तो कि सही टाइम पे सही जगह होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमें अक्षांश और देशांतर पता होना बहुत ज़रूरी है। आप लोग पेपर देने जाते हैं, सेंटर पता नहीं होता है तो क्या करते हो? अगर आज से 8-9 साल पहले देखा जाए तो क्या होता था, लोग पान वाले से पूछते थे भैया सेंटर बता दो, तो पान वाला बोलता था आगे से दाएँ मोड़ जाओ, पीछे से बाएँ मोड़ जाओ, इस तरह से वो बताता रहता था। लेकिन आज के टाइम क्या हो गया, आज के टाइम में आप पान वाले से नहीं पूछते हो, बल्कि आप क्या करते हो, आप मोबाइल यूज़ करते हो, उसमें गूगल बाबा से पूछते हो, हे गूगल बाबा हमारी मदद करो। तो गूगल बाबा क्या करते हैं, तुरंत आपको बताते हैं, खुद नहीं बताते हैं, गूगल बाबा की सेक्रेटरी आती है, बोलती है कि आगे से दाएं मोड़ जाओ या बाएं मोड़ जाओ, तो वो आपको रास्ता इंडिकेट करती है। वो कैसे इंडिकेट करती है? वो मदद करती है इस अक्षांश और देशांतर से। हर जगह का अक्षांश और देशांतर होता है, आपके घर का, आपके ऑफिस का, हर जगह का, स्कूल का, दफ्तर का, हर जगह का अक्षांश देशांतर होता है। बस उसे आप मैप पर फीड करना है और आपकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। दूसरा, टाइम और डेट की कैलकुलेशन करना। तो टाइम और डेट की कैलकुलेशन के लिए हम बात करते हैं, ठीक है। तो टाइम और डेट की कैलकुलेशन करने का हमारा ये टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड टाइम एंड टाइम जोन, मानक समय और समय क्षेत्र। टाइम और डेट की कैलकुलेशन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सिर्फ और सिर्फ देशांतर का, ठीक है। टाइम और डेट की कैलकुलेशन के लिए हम देशांतर का इस्तेमाल करते हैं, हम लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं, लैटिट्यूड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। और दो लॉन्गिट्यूड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका GMT ग्रीनविच मीन टाइम और दूसरा है IDL इंटरनेशनल डेट लाइन। GMT 0 डिग्री देशांतर पर है और आपका IDL जो है 180 डिग्री पर है, ठीक है। GMT की अगर हम बात करें तो ये वो लाइन है जहाँ से हम डेट टाइम की शुरुआत करते हैं।
कहीं ना कहीं से हमें टाइम की शुरुआत करनी थी, तो टाइम की शुरुआत हमने कहाँ से कर ली, जीएमटी से, ग्रीनविच। ग्रीनविच एक जगह है, कहाँ पर है, लंदन में। लंदन कहाँ पर है, ब्रिटेन में। तो हमने समय की शुरुआत कहाँ से करी, ब्रिटेन से करी। अब ब्रिटेन से ही क्यों करी, कहीं और से क्यों नहीं करी, उसकी भी वजह है। उसकी वजह यह है कि जब ये सारी चीज़ें निर्धारित की जा रही थी, उस टाइम हमारे पास सबसे पावरफुल देश कौन सा था, पावरफुल देश था हमारे पास ब्रिटेन। ब्रिटेन ने कहा भाई हम सबसे पावरफुल, तो पॉइंट कहाँ से शुरू होगा, हमारे पास से होगा। तो हमारे पास से होगा, इसका मतलब वोटिंग हुई। कहाँ से वोटिंग हुई, एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी लैब के 14 लोग थे, 20 लोगों में उन्होंने वहीं की वोटिंग कर ली। कहाँ की, रॉयल ऑब्जर्वेटरी लैब जो कि ग्रीनविच में है, और वहीं से टाइम शुरू हो गया। ठीक है, पुराने समय में अगर चले जाए तो एंशियंट टाइम में सबसे पावरफुल कौन था, इंडिया। तो ये लाइन कहाँ से जाती थी, इंडिया से, फिर बाद में ये अरब से गई, और फिर आपका ब्रिटेन से। तो अगर देखा जाए तो ये समय की बात है, और टाइम की कैलकुलेशन हम वहाँ से क्यों करते हैं, उसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया। अब जीएमटी लाइन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, दूसरी लाइन है आइडियल। आइडियल जो है ये एक इंटरनेशनल डेड लाइन है। ये लाइन एकदम जलेबी की तरह सीधी है, मतलब ये सीधी नहीं, कई जगह से टेढ़ी मेढ़ी है, जिगजैग होते हुए जाती है। वो ऐसा क्यों होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इन दोनों लाइनों के बेसिक्स को लेकर। पहली लाइन है आपकी जीएमटी। जीएमटी जो होती है 0 डिग्री की लाइन होती है। इसके एक तरफ ईस्ट और दूसरी तरफ वेस्ट है। जीएमटी से ईस्ट जाने पर हमारा टाइम बढ़ता है, और वेस्ट जाने पर हमारा टाइम घटता है। मतलब जीएमटी से ईस्ट की तरफ जाएंगे टाइम बढ़ेगा, वेस्ट की तरफ जाएंगे टाइम घटेगा। अब हमारे पास दूसरी लाइन है आईडीएल। आईडीएल मैंने यहाँ पर स्ट्रेट बनाई है, लेकिन एक्चुअली ये स्ट्रेट नहीं होती, बल्कि ये लाइन एकदम जलेबी की तरह सीधी होती है, कई जगह पर ऐसे मुड़ी होती है, इस तरह की लाइन होती है, जिगजैग लाइन होती है। क्यों, क्योंकि ये लाइन किसी भी लैंड को कट नहीं कर सकती। अगर ये लाइन किसी लैंड को कट करेगी तो उस लैंड पर एक दिन में 2 डेट्स होंगी। 2 डेट्स मतलब ज़्यादा कन्फ्यूजन प्रॉब्लम हो सकता है डेट्स में, ऑफिस में, टाइमिंग में। भाई सपोज करिए लाइन यहाँ से जा रही है, अब ये लाइन मैंने क्रॉस करी, डेट चेंज हो गई, मैं इधर चलता हुआ जा रहा हूँ मंडे में, ट्यूसडे में, मंडे मेरा पेपर है, मैंने लाइन क्रॉस करी, ट्यूसडे पहुँचा, पेपर का चला गया गायब। अब मैं सोच रहा हूँ मेरा पेपर कहाँ चला गया। तो इस तरह की कन्फ्यूज़न ना हो जाए, इसलिए क्या होता है, ये लाइन किसी भी लैंड को कट नहीं करती। कहीं पर भी लैंड आएगा, ये लाइन आपस में वहाँ से मुड़ जाएगी। इस लाइन की लोकेशन अगर आप वर्ल्ड मैप पर देखेंगे तो ये 2 कॉन्टिनेंट के बीच में मिल रही है। इसके एक तरफ यहाँ पर आपको नॉर्थ अमेरिका मिलेगा, नॉर्थ अमेरिका में कौन सा एरिया, अलास्का, और दूसरी तरफ यहां मिलेगा एशिया। एशिया में यहां पर कौन सा एरिया मिलेगा आपको, एशिया में यहां पर आपको मिलेगा रशिया, रूस। ये लाइन रशिया और अलास्का के बीच में मिलती है, और यहां पर एक बहुत ही फेमस स्ट्रेट या जलसंधि है जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। उस जलसंधि का नाम है बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग जलसंधि। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर पाए जाने वाली जलसंधि कौन सी है, बेरिंग जलसंधि। जलसंधि क्या होती है, एक ऐसा जल दो स्थलों को हटा तोड़े और 2 जलों को जोड़े, इसे हम बोलते हैं जलसंधि। चलिए जलसंधि के बारे में हम और बात करेंगे, चर्चा करेंगे आगे के लेक्चरों में। फिलहाल हमने देख लिया इंटरनेशनल डेड लाइन। इंटरनेशनल डेड लाइन के एक तरफ ईस्ट है, दूसरी तरफ वेस्ट है। इससे ईस्ट जाने पर हमारा डेट क्या होती है, डेट हमारी घटती है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिख दिया मैंने, उसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये गलत लिखा है और ये भी गलत लिखा है। 180 डिग्री से ईस्ट जाने पर हमारा एक दिन पीछे चला जाता है, एक दिन माइनस हो जाता है, और 180 डिग्री से वेस्ट जाने पर हमारा एक दिन बढ़ जाता है। इसे ध्यान रखिएगा, 180 डिग्री से ईस्ट जाने पर हमारा एक दिन पीछे और वेस्ट जाने पर हमारा एक दिन आगे हो जाता है, इसे याद रखिए। ये हो गया आपके बेसिक्स, ठीक है, दोनों लॉन्गिट्यूड के। अब इन लॉन्गिट्यूड की मदद से हम किसी जगह का टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए उसको समझते हैं। कैलकुलेशंस, किसी भी जगह का टाइम अगर हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम कुछ चीज़ों को ध्यान रखते हैं, ठीक है। हम क्या चीज़ को ध्यान रखते हैं,
हम ध्यान रखते हैं कि हम कैसे इन चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें जीएमटी पता होना चाहिए, आइडियल पता होना चाहिए, प्लस हर देश का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, तो हर देश का स्टैंडर्ड टाइम जोन पता होना चाहिए। हर देश के पास अपना एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, का टाइम जोन होता है, ठीक है, जो कि उसके प्राइम मेरिडियन से पता चलता है या उसके मेरिडियन से पता चलता है। किसी देश के पास जितने भी स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन होंगे उसके बाद उतने ही टाइम जोन होंगे। फॉर एग्जांपल रशिया, रशिया के पास 11 मेरिडियंस है, तो यहां पे कितने टाइम जोन है? 11 टाइम जोन है, ठीक है। यूएसए के पास 5 टाइम जोन, कनाडा 4 टाइम जोन, ठीक है। इंडिया के पास 1 टाइम जोन। इंडिया का जो टाइम जोन है वो कहाँ से नापा जाता है? इंडिया का टाइम जोन नापा जाता है 82.5 ईस्ट से। कहाँ से? 82.5 ईस्ट। ये पॉइंट कहाँ पे शुरू होता है? ये इंडिया के बीचों बीच में नहीं है, ये इलाहाबाद के नैनी शहर से शुरू होता है, ठीक है। तो देखिए, किसी भी जगह का टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमें स्टैंडर्ड मेरिडियन पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड मेरिडियन वो पॉइंट होता है जहाँ से उस देश का लोकल टाइम नापा जाता है, ठीक है। किसी देश के पास जितने भी स्टैंडर्ड मेरिडियन होंगे उसके उतने ही टाइम जोन होंगे। और सबसे खास बात, हमारे पूरे अर्थ में कितने स्टैंडर्ड मेरिडियन है, कितने टाइम जोन है? 24। 24 टाइम जोन मतलब एक टाइम जोन मतलब एक घंटा, इसे याद रखिएगा। तो इसे याद रखिएगा, तो रशिया के पास सबसे ज़्यादा टाइम जोन है, इंडिया के पास कितने टाइम जोन है? एक। आज़ादी से पहले 2 थे, आज़ादी के बाद हमने एक एलिमिनेट कर दिया, चाय बागान समय क्षेत्र। तो इंडिया का टाइम हम कहाँ से नापते हैं? 82.5 ईस्ट। 82.5 ईस्ट से हम इंडिया का टाइम जोन नापते हैं, इलाहाबाद के नैनी शहर से। जब आप टाइम सेट करते हो अपने घर ही में, तो क्या करते हो? ऐसे कुछ करते हो 5.5 घंटा, ऐसे तो करते हो आप लोग। तो ये 5.5 घंटा ही क्यों करते हो? 4 घंटा या 6 घंटा क्यों नहीं करते हो? तो उसका लॉजिक है, देखिए, हमारा अर्थ है वो 360 डिग्री घूमने में कितना टाइम लेता है? 24 घंटे। तो 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लेगा? 24/360 × 60 मिनट, ठीक है। तो याद आएगा 4 मिनट। तो अर्थ को अपने एक्सिस पर 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लेती है? 4 मिनट, ठीक है। 15 डिग्री घूमने में कितना लेगी? तो 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। तो आप इसे समझ सकते हैं कि एक टाइम जोन में कितने लॉन्गिट्यूड कवर होते हैं? 15 लॉन्गिट्यूड। अर्थ को अपने एक्सिस पर 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लेती है? आपका 1 डिग्री घूमने में लेती है 4 मिनट। और अगर हम थोड़ा सा और देखें तो ध्यान से देखिएगा, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, ठीक है। अर्थ का, हमारे इंडिया का टाइम है 82.5 ईस्ट, ठीक है। अब देखिए, 0 से 82.5 आ गए, मतलब 82.5 - 0 कितना हो गया? 82.5, ये आपका लॉन्गिट्यूड होगा। 1 लॉन्गिट्यूड = 4, तो 82.5 लॉन्गिट्यूड कितना होगा? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 330 मिनट आ गया। 330 को हम तोड़ सकते हैं 300 + 30 मिनट, इसको डिवाइड कर दिए 60 से, हो गया 5 घंटा। तो ये आपका आ गया 5 घंटा और 30 मिनट, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ? ये लिखा हुआ ईस्ट। क्या लिखा हुआ? ईस्ट। तो 0 डिग्री से ईस्ट जाने पर टाइम क्या होता है? बढ़ता है, तो प्लस लगा दिया, तो प्लस का 5.5 घंटा। तो प्लस का 5.5 घंटा क्यों आया? ये आपके सामने आ गया। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनता है, उन क्वेश्चंस को याद रखिएगा। आपको 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट। 15 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है? 1 घंटा। आपके पास कितने टाइम जोन है? 24। एक टाइम जोन में कितने लॉन्गिट्यूड है? 15 लॉन्गिट्यूड है।
फिर सबसे ज़्यादा टाइम जोन किसके पास? रशिया के पास। इंडिया के पास कितना? एक। इंडिया का टाइम GMT से आगे है कि पीछे है? आगे है। कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे। इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम हम कहाँ से नापते हैं? 82.5 ईस्ट, जो कि कहाँ है? इलाहाबाद के नैनी शहर के पास है। तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर ये सारे पॉइंट अगर आप ध्यान रखते हैं तो किसी भी जगह का टाइम और डेट की कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हो। टाइम और डेट की कैलकुलेशन करने में कोई खास समय नहीं लगता है, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसे घर पे ट्राई करिएगा और इसे घर पे लगा के लाइएगा। क्वेश्चन ये है, 165 डिग्री ईस्ट और 165 डिग्री वेस्ट के बीच का समय, मतलब एक पॉइंट है ए जो 165 डिग्री ईस्ट पर है, दूसरा पॉइंट है बी जो 165 डिग्री वेस्ट पर है, तो इनके बीच का टाइम डिफरेंस, इसके बीच का समय अंतर कितना होगा? ठीक है, इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। चलिए, इसका हमें आंसर बताइएगा। तो लेट्स सी, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो पेपर में आते रहते हैं। और क्वेश्चन है, इस स्टेटमेंट को कंसीडर करिए और फिर आंसर बताइए, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पार भारत से USA जाने वाले व्यक्ति को एक दिन मिलेगा, ठीक है। तो एकदम सही, USA जाएंगे तो हम किधर जाएंगे? ईस्ट की तरफ, और एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिको से न्यूजीलैंड जाने वाले व्यक्ति को एक दिन खो देगा, हाँ ये उल्टा जा रहा है वेस्ट में, तो ये एक दिन क्या करेगा? खो देगा। 12 घंटे की घड़ी में दिल्ली में समय 5:30 है, फिर लंदन में 24 घंटे की घड़ी में समय 0 होगा। एकदम सही है, क्योंकि लंदन के कंपैरिजन में ही हम समय निकालते हैं, और हमारा टाइम GMT से 5:30 घंटा आगे है, तो लंदन में GMT है, तो वहाँ पर अगर हम 5:30 घंटा आगे हैं, सुबह के 5:30 बज रहा है, तो वहाँ पर क्या बज रहा होगा? रात के 12। तो सारे कथन सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल आर करेक्ट, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। भूमध्य रेखा मतलब विषुव रेखा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है और सबसे बड़ा अक्षांश होती है, ठीक है। तो ये तो सही है, चलिए ये आपका सही पॉइंट है। चलिए, भूमध्य रेखा अक्षांश की एकमात्र रेखा है जो महान चक्र भी है। महान चक्र मतलब वृत्तम वृत्त, अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया, ये भी सही है, ठीक है। ग्रेटर सर्किल या ग्रेट सर्किल भी बोलते हैं इंग्लिश में। भूमध्य रेखा के पास की साइटें स्पेस पोर्ट के लिए अच्छे स्थान है, क्योंकि उनके पास अन्य अक्षांशों की तुलना में तेज क्रांतिक गति होती है। ये पॉइंट एकदम क्लियर नहीं है, क्योंकि ऐसा पॉइंट मैंने पढ़ाया भी नहीं और ऐसा कुछ होता भी नहीं, तो ये गलत है। तो यहाँ पे क्या सही हो गया? पहला और दूसरा, तो आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप घर पे फिर से पढ़ के लगाइएगा, समझिएगा, और जितना आप ज़्यादा इसको समझेंगे आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी। सो गाइस, ये हो गया आपका अक्षांश और देशांतर। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। मैं नूरुस्सलाम आज आपसे अलविदा कहता हूँ। ओके, गुड बाय, थैंक यू सो मच।